तो सभी लोगों का मेरे चैनल एडुसुप में स्वागत है। आज हम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में ऐसे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डाइजेशन ऑफ फूड को शुरू करने जा रहे हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने पूरा अलग तरह के एसोसिएटेड ग्लैंड्स को कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने पहले सलाइवरी ग्लैंड्स, फिर हमने लिवर एंड गॉल ब्लैडर, और बाद में हमने पेनक्रियास को पूरा डिस्कस कर लिया। तो अब हम आज डाइजेशन ऑफ फूड से शुरू करेंगे, जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप जानिए, तो डाइजेशन ऑफ फूड, हमने खाना तो मुंह से ले लिया, खा लिया हमने, लेकिन अब उसको डाइजेशन शुरू करना है। तो डाइजेशन शुरू हमारे माउथ से ही हो जाती है, और वो डाइजेशन ऑफ फूड दो तरीके की हो सकती है। एक है मैकेनिकल, मैकेनिकल प्लस केमिकल होता है हमारा डाइजेशन ऑफ फूड। अब मैकेनिकल कैसे, हम खाने को टीथ दांतों के द्वारा क्रश करते हैं ना, उसको बिग फ्रैगमेंट से एक छोटा फ्रेगमेंट बना देते हैं, बिग फ्रेगमेंट से स्मॉल फ्रेगमेंट्स में तोड़ देते हैं दांतों की मदद से। तो वो एक मैकेनिकल डाइजेशन हो गया ना, हमने अपने मैकेनिक दांतों का यूज़ किया, तो ये होता है मैकेनिकल। और केमिकल क्यों होगा, क्योंकि हम अलग केमिकल्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स को यूज़ करेंगे, जिससे हम खाने को डाइजेस्ट करेंगे। तो ये हमारा जो डाइजेशन है, ये बोथ मैकेनिकल एंड केमिकल होता है, तो ये बात आप जान लीजिए। तो हम पहले शुरू करते हैं हमारे मुंह से। तो बकल कैविटी हमारी जो है, जो हमने पहले डायग्राम में भी देखा था, बकल कैविटी कहाँ गया, डायग्राम ये रहा। इस डायग्राम में आप देखिए, तो ये पूरी बकल कैविटी है। तो यहाँ से खाना हम पहले अंदर लेते हैं, तो यहीं से हमारा डाइजेशन शुरू हो जाता है। तो चलिए इसको जानते हैं। तो बकल कैविटी में दो फंक्शंस होते हैं, दो फंक्शंस इसमें मेनली होते हैं। तो दोनों फंक्शंस क्या है, पहला वाला है हम मैस्टिकेशन ऑफ फूड करते हैं, फूड को तोड़ते हैं छोटे छोटे पीसेस में, हम दांतों का इस्तेमाल इसमें करते हैं और जीभ का इस्तेमाल करते हैं उस खाने में सलाइवा मिक्स करने के लिए। तो उसकी वजह से क्या होता है, फैसिलिटेशन, मतलब निगलने में आसानी हो जाती है हमें खाने को निगलने में। जब खाना छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए और उसमें सलाइवा मिक्स होकर स्लिपरी हो जाए, तो हमें निगलने में बहुत आसानी होती है। तो इन दोनों फंक्शन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हमने दांतों का एंड टंग, जीभ का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बात हो गई पहली बात। तो अब हम देखते हैं सलाइवा जो होता है हमारा, वो हमारे सलाइवरी ग्लैंड से जो निकलता है, वो अभी फूड में मिक्स होता है, तो उसको टंग फैसिलेट करता है। तो ये खाना जो मिक्स हो गया सलाइवा में, अब सलाइवा में क्या है, पहले तो बहुत डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी है, लाइसोजाइम भी है, म्यूकस भी होता है इसमें। म्यूकस इसको क्या कर देता है, खाने को स्लिपरी बना देता है, पहली बात स्लिपरी, प्लस ल्यूब्रिकेटिंग भी बना देता है। तो इसकी वजह से, सलाइवा की वजह से ये चेंज आ जाता है एक फूड में। तो ये फूड में जो चेंज आ जाता है, अब जो हमारा फूड है, फूड जो है हमारा खाना है, ये कन्वर्ट हो गया है, किस में बदल गया है हमारा खाना, इसको अब क्या कहेंगे हम, बोलस। बोलस खाने को अब क्या कहा जाएगा, बोलस कहा जाएगा। तो यही बोलस को फिर ये आगे इसोफेगस से जर्नी अपना कंटिन्यू करना शुरू कर देगा, फेरिंग्स में जैसे इसोफेगस में। लेकिन अब बात होगी, लेकिन ये जो प्रोसेस है, हमने खाने को निगला है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, स्वेलोइंग, या तो निगलना बोल सकते हैं, या और एक टेक्निकल टर्म जो है वो है डीग्लूटिशन, डीग्लूटिशन। तो ये टर्म आप याद रखिएगा, स्वेलोइंग या डीग्लूटिशन। तो फिर अब हम बात करते हैं, तो बोलस जो है, अभी हमने खाना तो ले लिया, ये हमारा मुंह था, ये माउथ था, यहाँ से फेरिंग्स था, फिर खाना जो ले लिया, ये फूड जो है अभी बोलस है, इसको नीचे जाना पड़ेगा। तो हम अभी समझ गए, हम खड़े हैं तो ग्रेविटी की वजह से नीचे जा सकते हैं, ऐसा हम सोच सकते हैं। लेकिन हम अगर उल्टे भी हो जाए, तब भी खाना खाए तो खाना स्टोमक तक ही जाएगा, भले ही वो ग्रेविटी के अगेंस्ट ही हो। ये किस लिए होता है, इसमें एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट होता है। क्या होता है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, एकदम मतलब एक रिदम के थ्रू इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो सक्सेसिव वेव्स के रूप में होता है, एकदम लहरों की तरह इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। इसी कॉन्ट्रैक्शन का नाम हमने क्या रखा है, पेरिस्टेल्सिस, पेरिस्टेल्सिस या पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट। तो इसी पेरिस्टेल्सिस की वजह से खाना हमारे एलिमेंट्री कैनाल में मूव करता है।
तो लास्ट लेक्चर में हमने थोड़े सलाइवा के बारे में डिस्कशन कर लिया था। तो सलाइवा में हमने पढ़ लिया था कि सलाइवरी एमाइलेज होता है, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट होता है, एंजाइम होता है, लाइसोजाइम होता है, तो हमने वो तो बात कर ली थी। आज हम मेनली बात करेंगे इसमें सलाइवरी एमाइलेज, जिसको मैंने वहाँ ज़्यादा डिस्कस नहीं किया था। तो सलाइवरी एमाइलेज से हम शुरू करेंगे। तो सलाइवरी एमाइलेज जो है, ये एमाइलेज जो टर्म है, ये हम जनरली कार्बोहाइड्रेट के लिए यूज़ करते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में काम आता है, तो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में काम आता है। तो इसी से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि हमारे माउथ में कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन शुरू हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन स्टार्ट। तो हमारी डाइजेशन जो कार्बोहाइड्रेट की है, ये हमारे मुंह में ही शुरू हो जाती है, लेकिन प्रोटीन एंड फैट डाइजेशन इज़ नॉट इनिशिएटेड बोल सकते हैं, इज़ नॉट इनिशिएटेड। मतलब जब हम मुंह की बात करते हैं, माउथ में, तो सलाइवा की वजह से सलाइवरी एमाइलेज होता है, वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का ही डाइजेशन करता है, प्रोटीन और फैट का डाइजेशन इसमें बिल्कुल नहीं होता। तो जो हमारा डाइजेशन प्रोटीन और फैट का, ये या तो स्टोमक के में जाके ही शुरू होगा। तो ये बात हमने जान ली। तो ये कार्बोहाइड्रेट को सलाइवरी एमाइलेज डाइजेस्ट करेगा, तो इसमें क्या रिएक्शन होगा? कार्बोहाइड्रेट में मेनली हम क्या लेते हैं, स्टार्च लेते हैं। अभी तो हमने स्टार्च लिया, स्टार्च पर हमने सलाइवरी एमाइलेज को रिएक्ट कराया। तो सलाइवरी एमाइलेज ने रिएक्ट किया। हमने लास्ट लेक्चर में सलाइवरी एंजाइम या सलाइवा का हमने पीएच देखा था, तो वो पीएच कितना था, लगभग 6.8 के आसपास। तो इसी पीएच में स्टार्च किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माल्टोस, माल्टोस नाम के डाइसेकेराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या है, डाइसेकेराइड। अब डाइसेकेराइड क्या है, वो कार्बोहाइड्रेट जिसमें दो यूनिट से जुड़े बने हो, जो अब माल्टोस है, ये ग्लूकोस, ग्लूकोस दो ग्लूकोस के मॉलिक्यूल से बनता है, वैसे लैक्टोस ग्लूकोस और गैलेक्टोस से बनता है। जो दो यूनिट से बने हो कार्बोहाइड्रेट, उसको डाइसेकेराइड बोलते हैं। तो अब ये बात होगी कि डाइसेकेराइड में ये तोड़ देता है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये जो रिएक्शन हो रही है, ये हाइड्रोलिसिस में आती है, इसमें पानी का टूटना होता है। तो ये बात आप इम्पोर्टेंट जान लीजिए। और ये जो स्टार्च है, ये सिर्फ 30% ही यहाँ डाइजेस्ट होता है, मतलब 30% यहाँ डाइजेस्ट हो रहा है, जो 70% बचा हुआ है वो आगे होगा। तो हमने यहाँ क्या पढ़ा, सलाइवा में जो है सलाइवरी एमाइलेज है, जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है, तो हमारे माउथ से ही कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन शुरू हो जाता है। ये स्टार्च सलाइवरी एमाइलेज के अंदर पीएच 6.8 में माल्टोस में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन जितना स्टार्च कन्वर्ट होता है वो सिर्फ 30% होता है, रिमेनिंग 70% स्टार्च वैसे का वैसा ही रह जाता है, क्योंकि हम ज़्यादा देर खाने को मुँह में नहीं रखते, खाने को निगल लेते हैं। तो इतने कम समय में सिर्फ 30% ही लगभग हमारा स्टार्च डाइजेस्ट हो जाता है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। तो हमने डायग्राम में ही देखा था, डायग्राम को यहाँ ले लेते हैं ताकि आपको आसानी हो। तो ये डायग्राम जो हमने देखा, तो ये माउथ है, माउथ्स में हमने डाइजेशन पढ़ लिया। फिर ये जो ट्यूब आती है, ये इसोफेगस है, लेकिन आप जान लीजिए इसोफेगस जो हमारा है, इसमें नो डाइजेशन, कोई डाइजेशन नहीं होता, ये सिर्फ एक पाइप के रूप में काम करता है, जो कनेक्शन कनेक्ट करता है माउथ और स्टोमक को। तो हम अब नेक्स्ट जो पढ़ेंगे स्ट्रक्चर, वो है स्टोमक। तो हमने स्टोमक का बेसिक स्ट्रक्चर तो पढ़ ही लिया था उस डायग्राम में, यहाँ जैसे था। स्टोमक के चार पार्ट है, फंडिक, कार्डियक, बॉडी और पाइलोरिक, ये सब तो हमने डिस्कस कर लिया था। अब मेनली बात करेंगे स्टोमक के अंदर जो है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होंगे। गैस्ट्रिक टर्म स्टोमक से रिलेटेड है, तो स्टोमक के ग्लैंड्स को गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहेंगे। तो मेनली गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में तीन तरीके के मेन सेल्स आते हैं, तो थ्री टाइप्स ऑफ सेल्स बोल सकते हैं, थ्री टाइप्स ऑफ सेल्स। ये तीन तरीके के सेल्स से बना होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, जिनमें तीन ही मेन सेल्स आते हैं, तीन अलग अलग चीज़ें ये सेक्रेट करती है। पहला नंबर जो आता है वो है म्यूकस नेक सेल। तो इस नाम से आपको पता चल रहा है, म्यूकस नाम में आ गया, तो ये सेल क्या सेक्रेट करेंगे, म्यूकस सेक्रेट करेंगी। अब म्यूकस का रोल मैं बता रहा हूँ क्या आता है स्टोमक में। फिर नेक्स्ट जो आते हैं ये पेप्टिक सेल्स बोलते हैं, पेप्टिक सेल्स, या इनको चीप सेल्स भी कहते हैं, चीप सेल्स। तो ये क्या सेक्रेट करते हैं, ये करते हैं प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन। तो
एंजाइम का मतलब क्या है, ये अभी तक एक्टिव नहीं है। ये अभी एंजाइम्स तो है लेकिन अभी पूरी एक्टिव नहीं हुए, अभी इनएक्टिव फॉर्म में है, इसलिए प्रो एंजाइम लगा देते। तो ये जब जब एक्टिव हो जाएगी तब ये एंजाइम पेप्सिन बन जाएगा, ओजन हट जाएगा। ओजन का मतलब भी बताता है इनएक्टिव फॉर्म में अभी है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन। फिर हमारे लास्ट सेल्स आती है पेराइटल सेल्स। पेराइटल सेल्स, इसको ऑक्सेंटिक सेल्स भी बोलते हैं हम। तो इन सेल्स का मेन क्या काम आता है, ये ACL प्लस कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर्स को सिक्रीट करते हैं। तो ACL का तो आपको पता चल गया, ACL हमारा जो स्टमक को pH को हाईली लो बिलो लगभग 1.8 तक ले जाता है, लेकिन ये इंट्रिंसिक फैक्टर जो है कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर, ये विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में काम आते हैं। ये हेल्प करते हैं विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने में हमारे बॉडी में। तो इंट्रिंसिक फैक्टर का ये रोल है कि ये विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में काम आते हैं। तो हमें तीन तरीके के सेल्स के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। तो वो तीन तरीके के सेल्स क्या थे, पहले थे म्यूकस नेक सेल्स, पेप्टिक सेल्स या चीप सेल्स, या पेराइटल सेल्स एंड ऑक्सेंटिक सेल्स। तो इन तीन सेल्स की बात कर लिया हमें, इनके क्या क्या सेक्रेशन है वो भी पढ़ लिया, म्यूकस, प्रोएंजाइम, पेप्सिनोजन, ACL एंड इंट्रिंसिक फैक्टर। तो अभी हम बात करते हैं इस म्यूकस का क्या काम है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा स्टोमक में जो है वो ACL सिक्रीट होता रहता है ऑक्सेंटिक सेल से। तो ACL जब सिक्रीट होता है, ऐसी भी कंडीशन आती है ज़्यादा हम खा लिए तो ACL सेक्रेशन बहुत हाई हो जाता है, तो स्टोमक में हाई एसिडिटी हो जाती है। तो उस एसिडिटी को हमें कमाने की ज़रूरत है, रिड्यूस करने की ज़रूरत है, तो हमें उसके लिए हम म्यूकस को सेक्रेट करते हैं। तो म्यूकस ACL के कंसंट्रेशन को चेक में रखता है ताकि हमारे ज़्यादा एसिडिटी ना हो, लेकिन कभी कभार कुछ ज़्यादा ही ACL निकल जाता है तब हमें एसिडिटी हो जाती है। तो ये बात कुछ एक्स्ट्रा हो गई। अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं कि स्टोमक में डाइजेशन कैसे होता है। अब स्टोमक में जो खाना है हमारा फूड, वो लगभग 4 से 5 घंटे तक स्टोर रहता है। तो 4 से 5 घंटे तक स्टोर रहता है, तो इसमें ही जो खाना है वो डाइजेस्ट होता है। तो ये हमारा स्टोमक है, बेसिकली कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है स्टोमक का। तो यहाँ चर्निंग मूवमेंट होती है, फूड को पूरा घुमाया जाता है। तो यहाँ क्या होगी, चर्निंग मूवमेंट, फूड को बार बार मिक्स घुमा घुमा के क्या डाइजेस्ट किया जाएगा। तो ये जो फूड है, आई तो थी फूड जो है वो बोलस के रूप में, लेकिन फूड जब यहाँ से निकलेगी, हमारे स्टोमक से जब फूड निकलेगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, काइम बोलेंगे। काइम, बोलस से क्या हो गया, ये काइम में कन्वर्ट हो गया। तो अब हम शुरू करते हैं डाइजेशन। तो हमने यहाँ मेन एंजाइम क्या पढ़ा, प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन। तो प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन का मतलब तो अभी भी इनएक्टिव फॉर्म में है, तो इसको एक्टिव करने के लिए अभी हमने ACL पढ़ा था ना, ACL जो pH को स्टोमक को 1.8 तक ले जाता है। तो इसी एसिडिक pH में प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन में, और ये जो पेप्सिन है ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के काम आती है। तो ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करती है। तो हमने कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ में पढ़ा था, तो अभी प्रोटीन डाइजेशन अभी शुरू हो गया है हमारे स्टोमक से। तो अब हम बात करते हैं ये पेप्सिन आखिर करता क्या है। तो प्रोटीन हमने ले लिया, ये रहा प्रोटीन। तो प्रोटीन में हमने क्या दिया, पेप्सिन दिया, फिर pH कितना दिया हमने, 1.8। तो अभी जो पेप्सिन है वह प्रोटीन को कन्वर्ट कर देगा। तो अब कन्वर्ट किस में कर देगा, प्रोटियोसिस प्लस पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देगा हमारे प्रोटीन्स को। तो ये जो है ये पहला स्ट्रक्चर है जो प्रोटीन से बनता है। अभी अमीनो एसिड इसमें फॉर्म नहीं हुआ, वो हम इंटेस्टाइन में फॉर्म करेंगे। तो पहला स्ट्रक्चर जो है ये हो गया, प्रोटीन को पेप्सिन ने प्रोटियोसिस और पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर दिया। अब और एक बात आती है, और एक एंजाइम होता है, लेकिन वो किस में होता है, इन्फेंट्स में होता है। इन्फेंट्स मतलब एकदम छोटे बच्चे जो अभी जस्ट पैदा हुए हैं। तो उन बच्चों के स्टोमक में और एक एंजाइम सेक्रेट होता है जिसका नाम है रेनिन। तो ये रेनिन का स्पेलिंग आप ध्यान रखिएगा, इसमें डबल एन आता है, सिंगल एन वाला जो रेनिन है,
एरो नहीं बनना चाहिए था। तो ये है, इसको हम एक्सक्रीशन में पढ़ते हैं, तो ये एक्सक्रीशन में आता है, तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। तो हम जो इन्फेंट्स में पढ़ते हैं उनमें रेनिन होता है। अब एक जो नया नया जन्मा बच्चा है वो क्या होगा, वो मम्मी का मिल्क लेगा, तो उस मिल्क को डाइजेस्ट भी इन्हें करना पड़ेगा, तो उस डाइजेस्ट मिल्क के को डाइजेस्ट करने के लिए इनमें रेनिन होता है, जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम होता है एक, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, प्रोटियोलिटिक। तो आप इस टर्म का नाम समझ लीजिए। तो इसमें दो टर्म है, प्रोटीन प्रोटियो से प्रोटीन, और लिटिक मतलब लाइसिस। तो प्रोटीन लाइसिस, प्रोटीन को तोड़ना, लाइसिस मतलब तोड़ना, तो प्रोटियोलिटिक एंजाइम। तो ये जो माँ का दूध है उसके प्रोटीन को ये डाइजेस्ट करेगा, जिसको मिल्क प्रोटीन कहा जाता है। तो ये एग्जांपल आप याद रख लीजिएगा। और एक छोटा सा बात, स्मॉल अमाउंट में लाइपेस निकलता है। लाइपेस क्या है, ये एक फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम है, ये भी सेक्रेट होता है हमारे स्टोमक में। तो इस लाइपेस के सेक्रेट होने की वजह से जो फैट है, ये लाइपेस के अंदर, अभी ज़्यादा अमाउंट में नहीं है, एकदम कम अमाउंट में होता है, ये डाइग्लिसराइड्स में कुछ कुछ फैट्स को तोड़ देता है। तो ये छोटी सी बात हो गई, यहाँ से हमने स्टोमक का डाइजेशन कंप्लीट कर लिया। अब जो नेक्स्ट डाइजेशन आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जब बात करते हैं तो आप जानिए मेन डाइजेशन यही होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है हमारा मेन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन इसी जगह में होता है। तो मेन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन इसी ऑर्गेन में होता है, तो आप ये समझ लीजिए। तो यहाँ जानेंगे कि हमने अभी कुछ लास्ट लेक्चर के डायग्राम में भी देखा था, जो हमारा ये इस डायग्राम में देखते हैं, जो हमारे ड्यूडेनम है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, उसमें गॉल ब्लैडर मतलब लीवर और पेंक्रियास दोनों से इनके डाइजेस्टिव एंजाइम आ रहे हैं, और ये खुद का डाइजेस्टिव एंजाइम बना रहा है। तो आप इस डायग्राम से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम के बारे में हम पढ़ेंगे। मैनी डाइजेस्टिव एंजाइम, मैनी डाइजेस्टिव एंजाइम। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन के जो सिक्रीशन है, पहले हम पेंक्रियास के बारे में पढ़ेंगे। तो हम ये भी बोल सकते हैं जो पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन का जो कंपोजिशन है इसके डाइजेस्टिव जूस में, उसमें हमारे पास बाइल जूस आता है जो लीवर से आता है, प्लस पेंक्रियास के जूस, पेंक्रियाटिक एंजाइम्स बोल सकते हैं, प्लस इंटेस्टिनल एंजाइम्स कह सकते हैं। तो इस पूरे को हम या तो कह सकते हैं हम इंटेस्टिनल जूस मतलब इंटेस्टाइन का वो जूस जो डाइजेशन में हेल्प करे, या और एक फेमस नाम है सकस एंटेरिकस एंटेरिकस। तो ये दो नाम्स हो गए जो आप याद रखिएगा, या तो इंटेस्टिनल जूस या सकस एंटेरिकस। तो अभी हम बात करते हैं पहले पेंक्रियास के सेक्रीशन पे। तो पेंक्रियास से आप याद रखिएगा मेनली 6 डाइजेस्टिव एंजाइम्स आते हैं। तो 6 डाइजेस्टिव एंजाइम्स आते हैं पेंक्रियास से, तो उनके नाम मैं लिख रहा हूँ। पहला है ट्रिप्सिनोजेन। अब याद रखिएगा जिस नाम में ओजेन आ जाए वो अभी इनएक्टिव फॉर्म में है, जिस नाम में ओजेन नहीं हो वो एक्टिव फॉर्म में है। तो अब नेक्स्ट है काइमोट्रिप्सिनोजेन। फिर थर्ड में आ जाएंगे प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेस। फिर डी नंबर पे न्यूक्लियस। फिर हम और एक बात कर सकते हैं एमाइलेस, और लास्ट में हम बात कर सकते हैं, इसमें न्यूक्लियस तो कर लिया, एमाइलेस कर लिया, लाइपेस। तो ये 6 एंजाइम्स है जो पेंक्रियास से निकलते हैं, आप नाम याद रख लीजिएगा इनका। तब हम बात करते हैं, अभी जो देख ही रहे ये सब इनएक्टिव फॉर्म में है, तो अभी इनएक्टिव फॉर्म में है तो इनको क्या बोलते हैं, हमें एक्टिव फॉर्म में अभी कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, बिना कन्वर्ट करे तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो इस एंजाइम्स को जो कन्वर्ट करने का काम करते, सबसे पहले जो इसमें से क्या बोलते हैं एक्टिवेट होता है वो होता है ट्रिप्सिनोजेन।
तो हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, इससे एक एंजाइम निकलता है, उसका नाम क्या है, एंटेरोकाइनेस, एंटेरोकाइनेस। तो ये जो हमारा ट्रिप्सिनोजन है, ट्रिप्सिनोजन है, ये एंटेरोकाइनेस के अंदर क्या कर जाता है, कन्वर्ट कर जाता है एक्टिव फॉर्म ट्रिप्सिन में, ये ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, और ये ट्रिप्सिन बाद में इन बाकी के 5 एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देता है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटेरोकाइनेस होता है, वो ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में एक्टिवेट कर देता है, और बाद में यही ट्रिप्सिन बाकी के 5 एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देता है, तो यहाँ से हमारा पेनक्रियास से जूस आता है। तो अब देखिए, एमाइलेस इसमें कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में काम आता है, लाइपेस इसमें फैट डाइजेशन में, न्यूक्लियस न्यूक्लिक एसिड को कन्वर्ट करने में, और ये 3 ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेस, ये प्रोटीन डाइजेशन में काम आते हैं। तो हमने पैनक्रियास के जूस की बात कर लिया। अब बाइल जूस की जब बात करते हैं, तो बाइल जूस में एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखिए, बाइल जूस में कोई एंजाइम अपना खुद का नहीं होता, इसमें कोई नो एंजाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखनी है, बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं होता। जैसे हमने पैनक्रियाटिक जूस में 6 एंजाइम्स की बात की, यहाँ एंजाइम नहीं होता, यहाँ क्या होता है, अलग अलग कॉम्पोनेंट्स होते हैं जिसमें क्या क्या आ सकते हैं, बाइल पिगमेंट्स आ सकते हैं। बाइल पिगमेंट्स में 2 ही एग्जाम्पल है, बिली रूबिन और बिली वर्डिन। तो स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, बिली रूबिन एंड बिली वर्डिन। तो ये 2 इसमें मेन पिगमेंट्स आ गए, और बाइल सॉल्ट भी आ सकते हैं, बाइल सॉल्ट जिसमें सोडियम टोरोक्लोरेट ऐसे कुछ सॉल्ट आ जाते हैं जो बाइल जूस में प्रेजेंट है, इसमें कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी आ जाते हैं, एंड मेनली फॉस्फोलिपिड्स भी आ जाते हैं। तो ये बेसिकली कुछ कंपोजिशन है बाइल का, लेकिन कोई एंजाइम नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप याद रखिएगा, जो इस बाइल में कोई एंजाइम नहीं होता। तो ये बात हो गई, तो बाइल में कोई एंजाइम नहीं है तो वो खुद का डाइजेशन तो नहीं कर सकता, तो ये किस में काम आता है बाइल, ये एक इम्पॉर्टेंट काम में याद आता है, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में बाइल जूस का मेन रोल आता है, एमल्सिफिकेशन करके ये फैट को बहुत छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है, जिसको हम फैट्स को कन्वर्ट कर देता है किस में, माइसिल फॉर्मेशन में ये काम आता है। और एक बाइल का बहुत इम्पोर्टेंट काम क्या है, बाइल काम आता है एक्टिवेशन ऑफ किसका, बाइल तो फैट्स के डाइजेशन में काम आएगा, तो लाइपेस को ये एक्टिवेट करता है। तो ये आप याद रखिए कि लाइपेस दोनों से एक्टिवेट होता है, ट्रिप्सिन और बाइल से, तो ये आप इम्पोर्टेंट बात ध्यान रख लीजिएगा। फिर ये तो 2 जूस की बात हो गई, सकस एंटेरिकस के 2 कंपोनेंट्स, पैनक्रियाटिक जूस और बाइल। अब इंटेस्टिनल एंजाइम्स भी आएंगे इसमें, तो इंटेस्टाइन के म्यूकोसा में गॉबलेट सेल्स होते हैं, आप याद रखिएगा, इंटेस्टाइन के जो म्यूकोसा मैंने अभी बताया था, 4 लेयर्स होते हैं, सेरोसा, मस्कुलरी, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा एकदम अंडर का लेयर होता है, तो जो म्यूकोसा का लेयर होता है उसमें क्या है, गॉबलेट सेल्स मौजूद होते हैं। तो गॉबलेट सेल्स मौजूद होते हैं, तो ये गॉबलेट सेल्स म्यूकस सिक्रीट करते हैं, मेनली गॉबलेट सेल्स जहाँ भी आ जाए वो म्यूकस ही जनरली सिक्रीट करते हैं। तो ये जो आता है सिक्रीशन, ये बाद में इसमें ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम भी होते हैं जिससे अपना सिक्रीशन आता है, तो यही सिक्रीशन आगे चल के इन तीनों का मिक्सर सकस एंटेरिकस बनाता है। तो अब याद रखिएगा, जो हमारे सब म्यूकोसा भी है, इंटेस्टाइन के सब म्यूकोसा, तो इसमें जनरली ब्रनर्स ग्लैंड भी होते हैं जिससे अलग अलग सेक्रीशंस और ऐड होते हैं इसमें। तो सकस एंटेरिकस में आप देख सकते हैं बहुत सारे एंजाइम्स एक साथ जुड़े होते हैं, तो इसी जूस में अलग अलग माल्टेस, डाइपेप्टाइडेस, लाइपेस, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, न्यूक्लियोसाइडेस, बहुत सारे एंजाइम्स मौजूद होते हैं। और एक लास्ट इम्पॉर्टेंट बात आप ध्यान रखिए, कि हमने बात की थी जो स्टोमक का, पहले बात करते हैं हमने माउथ का पीएच क्या बात की, 6.8, स्टोमक का पीएच हमने लगभग माना 1.8,
लेकिन जब हम इंटेस्टाइन की तरफ बढ़ते हैं, इंटेस्टाइन पीएच, तो ये स्लाइटली एल्केलाइन हो जाती है, स्लाइटली एल्केलाइन। यहाँ तो स्लाइट एसिडिक था, स्लाइट एसिडिक बोल सकते हैं, यहाँ तो हाई एसिडिक, हाईली एसिडिक बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ स्लाइटली एल्केलाइन मतलब थोड़ा ज़्यादा 7 से 7.4 ऐसा कुछ हो जाता है। तो ये बात आप ध्यान रखिए, जो इंटेस्टाइन से पीएच हो जाता है वो बदल के हमारा बेसिक की ओर चला जाता है, तो ये बात आप ध्यान रखिए। तो आज लगभग हमने डाइजेशन ऑफ फूड को डिस्कस कर लिया, इसके मेन जो अब हमारे एंजाइम्स है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हमें रिएक्शंस पढ़ने हैं बहुत सारे, कि आज कुछ कुछ जैसे हमने यहाँ रिएक्शंस पढ़े कि ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसे ही नेक्स्ट लेक्चर में हम सब रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। पेप्टोन्स क्या होता है, पॉलीसेकेराइड्स का क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड का क्या होता है, फिर उनको तोड़ तोड़ के क्या क्या बनाया जाता है, फिर वो कैसे एसिमिलेट होकर अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक जाता है, तो ये सब डिस्कशन हम कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आज के लेक्चर में आपको अगर कोई डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे पूछिए, मैं जवाब देने की आपको कोशिश करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके शेयर कीजिए, और आप ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको और नए नए वीडियोज़ सबसे जल्दी मिल सके, और मुझे भी सपोर्ट आप करते रहिए। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।